बुजुर्ग कैसे आप सब लोग, मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी आपकी दुआ ठीक हूँ। आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैं भी उठ गया हूँ, नहा धो लिया, फ्रेश हो गए हैं, रूटीन के मुताबिक नाश्ता आ जाएगा। नाश्ते में क्या आज पता चलता है जब नाश्ता आएगा। मैं भी वेट कर रहा हूँ, नाश्ता भी घर वाले बना रहे हैं, आता है फिर नाश्ता दिखाते हैं, उसके बाद जो है देखेंगे आज का दिन कैसा होता है। आप बताएं आपकी लाइफ कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें, वीडियो को लाइक किया करें ज़रूर, ये मेरी आपसे ज़रूर गुजारिश है। नाश्ता है जी, साथ में रोटी है, घी वाली, अंडा दाल है, खाली अंडा, दही। अभी जो है नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद चलेंगे दुकान पर। आप लोगों ने करना तो आ रहे हैं, सुबह सुबह बड़ा मज़े का नाश्ता आया है, तो अभी नाश्ता करते हैं। दुकान पर आ गए हैं, पानी शानी ले आए हैं। अभी जो कल विंडो ले गए थे, आज उनका काम करना है या कहीं और काम करना है। अभी थोड़ा सा सफाई वगैरह करेंगे, सोचेंगे, फिर दिमाग चलाएँगे कौन सा काम कैसे किया जाए, उस हिसाब से शुरू करेंगे। ये फ्रेम देख रहे हैं, ग्रिलें साइडों पे लगी हुई हैं, ये उतार के ना इस तरफ से भी दिखाता हूँ मैं। ये उतारनी है, छत अलग करनी है, उसके बाद ये ग्रिलें जिस जगह पे फिटिंग होनी है वो नीचे, पहले इसको कटिंग करके उतारते हैं, उसके बाद नीचे जाके फिर जो है जहाँ पे लगेनी है वो भी आपको दिखाएंगे। ये सामने वाला जो बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये 5 फीट स्टोरी बन गई है। इसका नक्शा इतना ही कमाल नक्शा बनाया हुआ है उस बंदे ने, अखीर कर दिया है। यकीन करें इस एरिया में कोई भी इतना बड़ा ऊंचा मकान नहीं होगा जितना इसने बना लिया है। अल्लाह खैर करे, 2 सूट होती हैं, या तो इस तरह का बंदा पागल होता है या बहुत ज़्यादा समझदार होता है। अब ये पता नहीं क्या है, कमेंट बॉक्स में आने बताना ज़रूर है मुझे। पीस उतार के साइड वाले वो रख दिए हैं, छत ये पड़ी हुई है, छत का हमारा कोई काम नहीं है। वो ग्रिलें जो है ना उनको छोटा करके लगाना है एक जगह पर, वो नीचे है, तो अभी उधर चलते हैं, वहाँ साइज लेते हैं, फिर इनकी कटिंग शुरू करेंगे। ये 3 पीस से तीनों को ज्वाइन कर दिया है। साइज़ में नीचे से लेके आया था पूरा, एक जगह पे थोड़ा सा फ़र्क था, तो वो एक ग्रिल जो है ना छोटी थी, ये काट किस लिए है ये नीचे जाके पता चलेगा। अभी जो है यहाँ से दीवार इकट्ठे करते हैं, नीचे लेके चलते हैं, और ये इस तरफ से ना यानी कि ये दीवार से ऐसे नीचे लटका देंगे, और ये लगनी है ये वाले एरिया में, ये जो नीचे वाला शेड है ना वहाँ पर लगनी है। नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रिल जो लगा दी हमने चेक करो, यहाँ पर लगाने से आगे बेपर्दगी ना हो। ये दरवाज़ा अभी जो है ना ये रहता है, इसको उस साइड पर लगाना है, इस तरफ खुलता है, इसको उस तरफ खोलना है हमने सीढ़ी वाली साइड पर, तो इंशाल्लाह ये सुबह करेंगे। अभी जो है चलते हैं, रात को भी साथ में लगे हैं, थकावट और गर्मी की वजह से ना हालत बुरी हो गई, बस अभी वर्कशॉप चलेंगे बस। सामान दुकान पे रख दिया है, अभी चलते हैं जहाँ पर आज ना काम शुरू करवाया पेंट का, तो वो बंदे लगे हुए थे सुबह से, अभी जाके देखते हैं छुट्टी की है या नहीं, कि काम कितना करके गए कितना नहीं करके गए, अभी उधर चलते हैं जी। मैं अभी साइड पर बोला जॉब पर काम पर लगा हुआ था पेंट वाले, यहाँ चेक करो ज़रा, दीवारें सारी छिल के चले गए हैं सारी हर तरफ से, और ये छत जो है बिल्कुल साफ थी, इसको छीलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जो है कल इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि इस एरिया को कवर कर देंगे। ये थोड़ा सा रह गया, यहाँ से नहीं उतार के गए, यहाँ से भी उतरेगा पेंट ना सारा पुराना, उतार के तो नया होगा इसके ऊपर इंशाल्लाह। ऊपर से शुरू किया है, नीचे तक जाना है, काम में तो काफ़ी है, एक डेढ़ महीना शायद इनको लग जाए। पट्टियाँ भी जो है ना सारी, ये सारी पेंट उतारेंगे, ये जो ख़राब हुआ है उतार के दोबारा नया करेंगे इसके ऊपर। जी पेंट जो हो रहा है ना, पेंट हो रहा है इस लड़के की फरमाइश पे, ये लड़का देख रहे हैं ना, लड़का बंदा ही सही हो रही है। अभी जो है जी मैं आके बैठ गया हूँ, जिनके घर काम शुरू हुआ है इनकी शॉप पे, ठीक है। वो आपको लड़का पहले भी दिखाया है, वो बड़ा शर्मा रहा था, ठीक है, तो उसने मुझे वीडियो बनाई थी, मैं फिर दूसरी साइड पर आके ना अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी काम जो है ना आज के दिन में वो कर गए हैं। बाकी आहिस्ता भी टाइम तो लगता है ना काम में, पूरा घर है, कोई एक दो दीवारें तो है नहीं, यहाँ पूरा कमरा है। कमरों के अंदर जो है ना वो डिसाइड हुआ है कि एक तो पैलिंग होती है ना दीवारों के ऊपर, पैलिंग होगी, और एक एक दीवार पर शायद वॉलपेपर लगे, इसकी फरमाइश पर लग रही है पैलिंग, ठीक है। बाकी सब है? बाकी सब की फरमाइश जो थी ना वो ये थी कि जी पेंट करा लें, एक इसकी फरमाइश थी, एक जो दूल्हे राजा ना जिसकी शादी है उसकी भी फरमाइश यही थी कि पैलिंग करवा लें। तो अभी दूल्हे राजा फारिग नहीं है, वो कहीं काम में बिजी है, वो भी आता है उससे मिलवाते हैं ज़रा, तो इंशाल्लाह शादी आ रही है, तो इस वजह से जो है ना काम शाम भाई साहब आपको पता है नई नई दुल्हन हो उसको नया नया साफ सुथरा घर भी मिलना चाहिए, ये उसी की आने की तैयारी में ना सब कुछ हो रहा है। तो अल्लाह ख्याल रखे, इंशाल्लाह काफ़ी काम है, बड़ी उम्मीद है कि जिम्मेदारी सारी जो है ना मेरे सर के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आसान नहीं होता, करना पड़ता है, आपको पहले ही बताया कि ताल्लुक मेरा इस तरह का कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, अपना तो मैंने करना ही करना है ना, बाकी काम भी सारे वो मैंने ही करवाने हैं। तो इसलिए जो है सुबह से पहले मैं सामान लेने गया हुआ था, सामान वगैरह लेके आऊँ, फिर पेंट वाले बंदे को बुलाया है, मतलब डील तो हमारी पहले उनके साथ हो चुकी थी, फिर जो है ना मैंने
ये लड़का जो है ना मेरी वीडियो बंद कर देता है, पहले भी मैं बोलता जा रहा हूँ पिछले दिन वीडियो जो है ना बंद कर दी, उल्टा मोबाइल पकड़ के बनानी पड़ती है तो स्क्रीन जो है वो दूसरी तरफ होती है, उसने क्लिक किया मैं शायद ऐसी टच कर रहा है, तो जनाब साहब ने वीडियो बंद कर दी। अभी जो है ना आज के लिए इतना ही है, अभी तो दूल्हा जाते हैं, आप उनसे मुलाकात करवाएंगे, फिर घर जाके जो है ना नहा धो के फ्रेश होके देखेंगे आज खाना क्या पका है घर में, रोटी छोटी आपको पता है आज दोपहर का लंच भी नहीं किया हुआ तो पेट में छुट्टे दौड़ रहे हैं, चूहे भी नहीं। ये जी दूल्हे राजा मोहम्मद अली, इसकी शादी है, इसकी शादी की तैयारियाँ हो रही हैं सारी। मैं जनाब आ गया हूँ घर, घर आके अभी फ्रेश होते हैं, हालत जो है आपको मेरे चेहरे से बिल्कुल बिगड़ी हुई नज़र आ रही होगी, फ्रेश होने के बाद खाना मिलेगा। खाना मेरे पास आ गया है, आज आलू और शिमला मिर्च बनी हुई है, साथ में रोटियाँ बाजार से लेके आए हैं। मैं अभी खाना खाता हूँ, उसके बाद मैंने रेस्ट करनी है, वीडियो एडिटिंग करने के बाद आपके लिए अपलोड करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी, और पेंट जो है अगर आपको कोई है इस बारे में नॉलेज तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। कि अगर हम ना सोच रहे थे कोई दीवार जो है ना पेंट की चेंज कर दी जाए, यानी कि एक दीवार और एक और कोई अच्छा सा पेंट, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे तो हमें याद रखें, अल्लाह हाफिज़।